तो चलिए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसे बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। हरा धनिया कटा हुआ इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि मसाले जो हैं वो प्याज में चले जाएं और प्याज भी जो है हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले खाने की। मिक्स करने के बाद इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे 1/2 कप तकरीबन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड किया और अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है ताकि इसकी जो डो है वो तैयार हो जाए। 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह हमने मसला है ऐसे। अब इसे हमने टिक्की की शक्ल दे देनी है। थोड़ी सी डो हम उठाएंगे और हाथों की मदद से पहले इसे हम बॉल की शक्ल देंगे और अब इसे हाथों की मदद से ऐसे प्रेस कर देंगे। इसे हमने टिक्की की शेप दे देनी है। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं स्नैक्स, आप इसे अफ्तारी में बनाएं बहुत ही टेस्टी आपको लगेंगे। इसी तरह आपने सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है, तैयार होते हैं स्नैक्स। अब इसे फ्राई करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाला है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं हमने करना, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, आँच अब हम मीडियम लो कर देंगे और एक एक टिक्की करके हम इसमें डालेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सारी टिक्कियाँ हमने डाल दी हैं, अभी इसे हमने पलटना नहीं, थोड़ा सा नीचे से सेट होएगी तो फिर इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया है तो अब इसकी साइड जो है हम चेंज करते हैं। 1 मिनट दूसरी साइड को भी हो गया। इसी तरह हमने इसे पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन कलर देना है क्योंकि इसमें कोई चीज़ भी नहीं कच्ची, सिर्फ चावल का आटा ही है, उसे ही हमने पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे गोल्डन हो गए हैं और ये देखें इतना प्यारा कलर आया, तो ये रेडी है, इसे डिश आउट करते हैं। ये तैयार है। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।